ओम शांति। अव्यक्त मुरली। डेट 29/8/2021। रिवाइज डेट 12/3/88। आजकेर हेडलाइन, तीन प्रकारे स्नेह अर्थात हृदय थेके स्नेही बाच्चादेर विशेषता। आज बापदादा निजे स्नेही सहयोगी एवं शक्तिशाली बाच्चादेर देखछेन। एई तीन विशेषता जादेर मध्धे समान भावे आछे ताराई विशेष आत्मादेर मध्धे नम्बर वन आत्मा। स्नेह तीन प्रकारेर, एक हलो हृदये स्नेह, द्वितीय हलो उद्देश्य प्रणोदित स्नेह आर तृतीय हलो निश्चय समये स्नेह। जे हृदये स्नेही हबे तार सर्वसम्बन्ध आर सर्वप्राप्ति सदा सहजे अनुभव करबे। बुद्धिके एटाई एक्सारसाइज कराते हबे, जखन जेमन प्रयोजन तखन सेई स्वरूप आर स्थितिते जेन स्थित होते पारे। जार बुद्धि स्वच्छ निर्मल दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि से सहजेई सहज योगीर स्थितिर अनुभव करे। एकेई बोले नम्बर वन यथार्थ स्नेही आत्मा। स्नेहेर कारणे एमन आत्मा बाबार थेके सदा सहयोग प्राप्त करे। स्नेह अखंड अटल अनर अविनाशी, एटाई हलो नम्बर वन स्नेहेर विशेषता। फरिश्ता जीवन बंधनमुक्त जीवन, सेवार बंधन आछे ठिकई, जे जतटा सेवा करुक ना केन से सदा फ्री एवं हालका अनुभव करबे। जे कर्मई करो ना केन, कर्म करार आगे एटा भाबो आमि निमित्त, निमित्त जे हबे से खूब भालोबेसे काज करबे। ट्रास्टिर अर्थ हलो सबकिछु बाबा तोमार, जेमन स्मृति हबे तेमन स्थिति हबे। तोमार मानेई बाबार स्मृति, बाबा अफार करछेन सब कार्यभार आमार उपर छेड़े दाओ आर सदा निश्चिंत थाको। बादशाह जदि होते चाओ अविनाशी ज्ञान धनेर बादशाह हो। तोमरा जखन ईश्वरीय सुख प्राप्त करो तखन तोमरा सर्वदा सुखी हो, दुःखेर लेश मात्र थाके ना। ईश्वरीय सुखेर प्राप्ति माने सबकिछुर प्राप्ति, कोनो अप्राप्ति थाके ना। जारा अविनाशी सुखे थाके तारा स्वतंत्र भावे विनाशी जिनिस यूज करबे किन्तु आबद्ध हबे ना। सर्वदा निजेके पूर्वकल्पेर विजयी पांडव भाव। पांडव अर्थात जादेर आत्मा साहसी एवं शक्तिशाली, किन्तु सेटा ना देखिए पुराणे तादेर शरीरके शक्तिशाली देखिएछे। पांडवरा विजयी केन? कारण तादेर साथे बाबा छिलेन, সেই জন্য অসংখ্য কৌরবের শক্তি তাদের সামনে কিছুই নয়। মায়া যে রূপেই আসুক না কেন পরাজিত হয়, একে বলে বিজয়ী পাণ্ডব। নিজেকে নিমিত্ত অসীমের সেবাধারী ভাবো, তাহলে কোনো প্রকার আমিত্ব আসবে না। অসীমের সেবাধারী অসীম সৃষ্টির রাজ্য প্রাপ্ত করে। আজকের বরদান, মনন শক্তির দ্বারা যা কিছু ব্যর্থ তার বোঝকে সমাপ্ত করে সদা শক্তিশালী হও। বিস্তার, আত্মার উপর ব্যর্থ কিছু বোঝ আছে, ব্যর্থ সংকল্প, ব্যর্থ কথাবার্তা, ব্যর্থ কর্ম আত্মাকে ভারী করে দেয়। এখন এর বোঝকে সমাপ্ত করো। এর বোঝকে সমাপ্ত করতে গেলে সর্বদা নিজেকে সেবাতে ব্যস্ত রাখো। মনন শক্তি দ্বারা আত্মা শক্তিশালী হয়ে যাবে। যেমন ভোজন হজম করলে রক্ত তৈরি হয়, তারপর শক্তি হয়, সেরকম মনন করলে আত্মার শক্তি বাড়ে। স্লোগান, যে নিজের স্বভাবকে সরল বানিয়ে নেয় তার সময় কখনো ব্যর্থ যায় না। ओम शांति।